नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पटना लायंस क्लब का 42वां अधिवेशन आज चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का चुनाव हो रहा है जिसमें संगीता नंदा और प्रदीप खेतान दो कैंडिडेट हैं। तमाम बिहार से करीब 5000 जो मेंबर्स हैं और 150 से ज़्यादा जो लायंस में क्लब हैं उनके मेंबर जो हैं वोटिंग करेंगे और कल वोटिंग होगी। जानते हैं कि वोटिंग की प्रक्रिया और क्यों लोग जुड़ते हैं इससे। क्या नाम है मैम? लायंस झुमा बैनर्जी। मिसेज बैनर्जी कितने दिन से जुड़ी हैं? हम 15 साल से। 15 বছর থেকে সঙ্গে আছে। আচ্ছা তাক। বাংলা বলতে জানেন? হ্যাঁ। জানেন? लेकिन बिहार है, हिंदी का चैनल, मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ आपसे। लायंस से जुड़ के कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत संतुष्टि। उस संतुष्टि, मन की संतुष्टि के लिए हम जुड़े थे कि हम किसी के लिए कुछ भी थोड़ा सा कर सके, जो जो भगवान हमको दिया उसी में से थोड़ा सा किसी के लिए कुछ कर सके, इसीलिए हम जुड़े हैं। किस पद पे हैं अभी लायंस में? कुछ हम प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सेक्रेटरी रह चुके हैं, ट्रेजरर रह चुके हैं, अभी हम बोर्ड मेंबर हैं अपने क्लब में, लायंस क्लब पटना फेमिना के। फेमिना के बोर्ड मेंबर हैं। अच्छा मिसेज बैनर्जी, इतना खर्च होता है, कहाँ से ये पैसा? सब लोग अपने अपने देते हैं, सब अपने खुशी से, अपने कमाई से सब खर्च करते हैं। अपनी कमाई से सब? हाँ। आपका इंटरनेशनल फाउंडेशन, जो लायंस इंटरनेशनल फाउंडेशन है, वो कहता है कि हमारे पास बिहार से प्रोजेक्ट ही नहीं आता है कि हम उसमें डोनेट करें और उस प्रोजेक्ट पर काम करें, ऐसा क्यों? नहीं, कुछ कुछ तो हुआ है, ऐसा नहीं। मधेपुरा में एक लायंस गांव है जहां पर पूरा लायंस को, जो कोशी नदी के बाढ़ में जो बह गया था, उन गरीबों को हम लोग कम से कम 40-50 घर देके गांव बसाए हुए हैं, और कुछ डायलिसिस सेंटर, ये सब कुछ कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ आगे बहुत बड़ा कुछ करने का तो मन है हम लोग को, सबको है कि कुछ अच्छा हो जो दिखे, सब जो दिखे। आज के डेट में कहा जाता है कि चुनाव बड़ा खर्चीला हो गया है, चाहे वो सांसद और विधायक का हो या लायंस के प्रेसिडेंट का हो, क्या मानती हैं इसको? हाँ, खर्चीला तो है, बहुत खर्चीला है। बिना खर्चे का कुछ नहीं होता है। बिना खर्चे का कुछ नहीं होता है, यानी कि आप, अच्छा एक बात बताइए मुझे मिसेज बैनर्जी, विधायक और सांसद जो भी चुनाव लड़ते हैं उनको पता है कि वो अपने क्षेत्र में काम करेंगे, उनका कुछ तो हिस्सा पैसे का रिटर्न आ जाएगा, उनको पेंशन मिलेगा, जितनी बार विधायक रहेंगे उतनी बार का पेंशन मिलेगा, यहाँ तो कुछ मिलने का नहीं है, फिर क्यों खर्च इतना? मन की खुशी है, एक हम पीडीजी बने, हम लोग का मोटो ही है वी सर्व, तो हम लोग खर्च के लिए नहीं करते हैं, हम लोग वी सर्व किसी और को देते हैं, हम लोग का देने का काम है, हम लोग लेते नहीं है, हम लोग देते हैं। तो इस देने के पीछे भी एक तो मकसद होगा ना, कि बड़े बड़े ये में कल पटना के बड़े बड़े पेज 3 में एकदम आएगा कि मिसेज बैनर्जी, मिसेज ये, तमाम फोटो आएंगे, तो ये भी तो एक मकसद होता है। नहीं, मकसद ये होता है, मीडिया वाले लोग आते हैं, कवर करते हैं, बट हम लोग फोटो खींचने के लिए या खिंचवाने के लिए ये सब काम नहीं करते हैं, हम लोग अपने मन की संतुष्टि के लिए। एक महिला है, एक पुरुष है, प्रधानमंत्री मोदी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, किधर वोट देने जाएंगे? महिला सशक्तिकरण की बात, मोदी जी को देंगे वोट, मोदी जी को देंगे, मोदी जी को देंगे। तो यहाँ भी एक महिला कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट है, लेकिन एक हमारा भी कैंडिडेट है जो पुरुष है, प्रदीप खेतान है, जो काम करता है उसको वोट देते हैं। आप जिसको भी देखिए, प्रदीप जी का जो भी फोटोग्राफ देखिए, सब में प्रदीप जी, हम लोग का क्योंकि काम जब करते हैं, हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, तो येलो जैकेट मस्ट है पहनना, हर फोटो में प्रदीप जी को देखिएगा येलो जैकेट पहने हुए काम करते हुए। हम लोग खाली खड़ा होकर मॉडलिंग की तरह फोटो खिंचाने के लिए हम लोग काम, मतलब आप प्रदीप जी के साथ? हाँ, हम लोग प्रदीप जी के साथ। आप भी प्रदीप जी के साथ? चलिए, कहाँ से आई हैं? मैं पटना से आई हूँ। पटना से किस पोस्ट पे हैं? हम बस लायंस क्लब में मेंबर हैं, फेमिना लायंस क्लब, फेमिना पटना, फेमिना लायंस क्लब के मेंबर हैं। कितने साल से जुड़ी हैं? मैं 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। 4 साल में क्या पाया आपने, कितने मन की संतुष्टि? बस अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि हमको सोशल वर्क करते हैं, मतलब जो नीडी लोग हैं उनका जो होप से हमसे बन पड़ता है हम लोग करते हैं। क्या क्या सोशल वर्क किया है आपने अभी तक? हम लोग जैसे आई चेकअप कराते हैं, आँख का ऑपरेशन कराएं, जाड़ा में मतलब कंबल उम्बल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिर कुछ क्या करते हैं हम लोग, फूड प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें मतलब खाना उना इस संस्था को खिलाते हैं। कितना कंबल बांटी? हर साल हम लोग लगभग 100 कंबल तो बांटते हैं हम लोग। पटना में करीब करीब 8 लाख लोग रोज फुटपाथ पे सोते हैं, तो हम लोग कहाँ 8 लाख में 100 कंबल में क्या? हम लोग महावीर कैंसर में काम करते
तो हम लोग अपने 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 सेल्फ हम लोग अपने पैसे से अपने ही से करते हैं, हम लोग जितना बन पड़ता है हम लोग करते हैं। अभी महावीर कैंसर में बच्चे लोग को उस बच्चे लोग के वार्ड में जा कर के हम लोग वहाँ पे कंबल वितरण किए थे। कहा जाता है कि पटना वाले या जो हैं डिस्ट्रिक्ट वाले वो लायंस इंटरनेशनल फाउंडेशन को प्रोजेक्ट ही नहीं भेजते हैं कि पैसा वहाँ से आए, ऐसा क्यों होता है? चार साल से आप देख रही होंगी कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट पे काम। अब हम लोग तो मेंबर हैं ना, तो हम लोग को ज़्यादा कुछ पता तो है नहीं। हम लोग मैंने ऊपर वाले सब जानते हैं, मेंबरों को पता नहीं चलता है। हम लोग जितना हम लोग बन पड़ता है हम लोग अपना करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन करके आपस में ही हम लोग सबको। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, यहाँ भी एक महिला खड़ी है एक पुरुष खड़े हैं, किसके तरफ जा रही हैं आप? अभी ये तो वही तो वोट का है तो कैसे बताया अभी प्रधानमंत्री के साथ हैं अभी ये तो वही ये तो भाई अपना निजी मामला है ना, अभी बता नहीं सकते। आप बता सकते हैं? मैं पुरुष के साथ खड़ी हूँ, प्रधानमंत्री के साथ खड़ी हूँ। आप पुरुष के साथ खड़ी हैं? हाँ, प्रधानमंत्री के साथ खड़ी हूँ। प्रधानमंत्री के साथ खड़ी जी, यानी कि महिला सशक्तिकरण के साथ खड़ी हूँ? नहीं, मैं प्रधानमंत्री के साथ खड़ी हूँ, प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो महिला कैंडिडेट यहाँ पे तो है? नहीं मैं खड़ी हूँ पुरुष कैंडिडेट के साथ। आप खड़ी हैं पुरुष कैंडिडेट साथ? जी। चलिए, एक तरह से ये देखा जा रहा है कि जो राय है वो बटी बटी है, और जब कल शाम को चुनाव होगा तो ये राजनीति का लायंस क्लब के चुनाव के नतीजों का ऊंट किस करवट बैठेगा उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ।